हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री लेसन नंबर 3, दैट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री। सो ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स और इसके बाद वाले भी जितने भी चैप्टर्स हैं सारे अपलोडेड हैं। कुछ दो तीन चैप्टर्स बीच के रह गए हैं जो लास्ट ईयर नहीं बनाया था, सो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं सारे। जैसे जैसे कॉमेंट्स आते जाते हैं सबके, सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करते जा रही हूँ। आपके सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सारे आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे, अदरवाइज आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा। अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो लाइक 144, 240, 360 पे थोड़ा लो दिखेगा। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये डाइजेस्ट आंसर्स हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में नहीं किए थे, तो कमेंट्स आ रहे थे कि मिस इसमें भी इम्पोर्टेंट रहते हैं टॉपिक, इसलिए मैं इसको आपको क्लियरली यहाँ पे शो कर रही हूँ। एक एक क्वेश्चन, एक एक जो भी यहाँ पे टॉपिक है, एक एक पॉइंट। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द एक्सकवेशन एट द सिटी ऑफ, तो यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए गए हैं, सो राइट ऑप्शन पे यहाँ पे टिक किया हुआ है। सेकेंड वाले में भी आप देख सकते हो यहाँ पे द नेशनल आर्चीव्स इन ऑफ इंडिया इज़ इन दिल्ली, यहाँ पे दिया गया है। इसका आंसर नीचे रहेगा, हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, पहले का, दूसरे का और बाकी के हम देख लेते हैं। डैश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, सृष्टि, सृष्टि यहाँ पे इसका यहाँ पे टिक किया ही हुआ है। फिफ्थ का यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, यूनेस्को। सिक्स का यहाँ पे है टिक मार्क किया हुआ है। सेवेंथ का आप देखो यहाँ पे पुणे। एट का है लियोनार्ड। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। मैं जूम इन कर देती हूँ। यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, जो रॉन्ग पेयर है वो बताना है। तो यही रॉन्ग पेयर है, रमन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल, तो ये रॉन्ग पेयर है, बाकी सब सही है। कुटियट्टम, तो ये संस्कृत थिएटर केरला में है। रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है, रामायण उत्तर प्रदेश में ये होता है। और यहाँ पे देखो दिया कलबेलिया, ये फोक सॉन्ग और डांस है राजस्थान का, कलबेलिया। वापस से यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है। कल्चरल हेरिटेज, रेड फोर्ट उदयपुर में तो नहीं है, हमको पता है रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली में। बाकी सारी चीज़ें जंतर मंतर जयपुर में, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। तो यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है रेड फोर्ट उदयपुर, ये रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए अप्लाइड हिस्ट्री, पब्लिक हिस्ट्री, फौना एंड फ्लोरा, नेचुरल हेरिटेज, एंशियंट साइट्स, यही रॉन्ग पेयर है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज, ये राइट है। ये आपका यूनेस्को वाला ये चैप्टर, आपका ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी है एक चैप्टर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र, तो कौन कौन सा है, तो एक तो ये है एलिफेंटा केव्स। अच्छा, तो ये देखो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एलिफेंटा, अजंता, वेरुल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और वेस्टर्न घाट्स, ये हैं। कितने सारे हैं, पांच। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इंडियन ट्रेडिशन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, तो यहाँ पे देखो दिया गया है। चारू डांस झारखंड एंड उड़ीसा, मणिपुर, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं, देख सकते हो आप।
ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। ये वाला आंसर यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड हिस्ट्री का। देखो यहाँ पे अप्लाइड हिस्ट्री को, ओके तो यहाँ पे देखो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि ये जो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, अगर इस तरीके से आपको आता है, इसको आपको ऐसे भी बोला जा सकता है राइट शॉर्ट नोट्स, तो इस तरीके से सेम यही आंसर आप लिख सकते हो। इस तरह से अलग क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया राइट शॉर्ट नोट इन हिस्ट्री, इट विल नोट बी आस्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इस तरीके से, या फिर राइट शॉर्ट नोट्स, इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन पूछेगा और इस तरीके से टॉपिक दिया जाएगा, तो इसी तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके जैसे हमने यहाँ पे देखा ये क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे या फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऐसे दे, तभी भी आपको सेम आंसर लिखने हैं। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट वाइज दिया गया है, देख सकते हैं। When one subject is applied to different fields and conclusions are derived, it is known as application of that subject. Okay, तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, easy है यहाँ पे। Archives, तो यहाँ पे पहला देखो point दिया गया है, place where historical documents are preserved is called an archive. यानी कि जहाँ पे archive हम देखते हैं ना, कुछ हम delete करते हैं तो मतलब कि delete नहीं करते, archive में करते हैं, तो यानी कि एक जगह पे store हो जाता है। ये क्या है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रखा जाता है, उसी को बोलते हैं आर्चिव। मैनी मैनी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटीज आर केप्ट एट दिस प्लेस, इन आर्चिव्स में रखे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, वी गेट रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ आर्चिव्स, तो जो हमको रेफरेंस मिलता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, वो आर्चिव्स की वजह से ही मिलता है। ये सारी चीज़ें कुछ बहुत ही इजी इजी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। राइट शॉर्ट नोट्स, नेचुरल हेरिटेज पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इन कल्चरल हेरिटेज व्हाट वी इनहेरिट इज मैन मेड बट नेचुरल हेरिटेज इज बिस्टोर्ड अपॉन अस बाय नेचर। तो देखो नेचुरल हेरिटेज ये क्या देता है, इंपॉर्टेंस देता है कि किस थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्या क्या होती है नेचुरल हेरिटेज में, फौना फ्लोरा, इकोलॉजिकल रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, जियोमॉर्फिक करेक्टरिस्टिक्स, सेंचुरीज, माउंटेन रेंजेस, रिवर वैलीज, लेक्स एंड डैम्स आर ऑल पार्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज। यस, ये सारी चीज़ें, ये कोई बहुत, जैसे हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट, ये सारी चीज़ें, और कुछ ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, तो पहाड़ कोई है ऐसा माउंटेन को भी हम देखते हैं कि उसको भी क्या करते हैं, उसको भी नेचुरल हेरिटेज में रखते हैं। So the misgivings about history among the people. So there are many misgivings about history among people. पहला पॉइंट क्या, history is a subject only for historians and students who pursue higher studies in history. History क्या है, एक subject है historians के लिए, और जो बच्चे आगे चल के history में पढ़ाई करना चाहते हैं। It has a relevance or applicability in our day-to-day life. History मतलब कि हम देख सकते हैं ना, हिस्ट्री से हम सीखते हैं, हिस्ट्री से हम सबक लेते हैं, हिस्ट्री से हम जुड़े हुए होते हैं। ओके, सो हिस्ट्री इज नथिंग बट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल्स फॉट बाय किंग्स एंड पॉलिटिक्स, किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी गई, उनसे हम सीख लेते हैं किस तरीके से हम बच सकते हैं किन्हीं चीज़ों से। ओके, हिस्ट्री कैन नॉट बी कनेक्टेड टू एन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, सो पॉइंट वाइज देखो दिया गया है, बहुत ही इजी है यहाँ पे सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स अगर हम देखें तो। इंडियन म्यूजियम, तो आंसर देखो दिया गया है, इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता इज़ द ओल्डेस्ट म्यूजियम, सबसे पुराना है और बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है इंडिया का। नेशनल फिल्म अचीव, तो ये भी यहाँ पे देखो दिया गया, अचीव के बारे में पढ़ा। इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तीन उद्देश्य के लिए ये इस्टेब्लिश किया जाता है। तो पहले यहाँ पे देखो, टू सर्च एंड ऑब्टेन द रेयर इंडियन फिल्म्स एंड प्रिजर्व आर हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए उन हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना। टू कैटेगराइज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म्स, क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड टू रिसर्च, और उस पर रिसर्च करना।
पब्लिक हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे देखो दिया गया है. पब्लिक हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज अप्लाइड हिस्ट्री, जो हमने भी पढ़ा, इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर लाइफ. टू पॉइंट्स और यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो. आई होप कि आपको दिख रहा होगा क्लियर, मुझे नहीं था, मुझे जूम इन करने की ज़रूरत है. बट फिर भी मैं शो कर देती हूँ, हो सकता है किसी को नहीं प्रॉब्लम हो, नहीं दिख रहा हो तो जूम इन करके भी बता देती हूँ, ताकि लिखने में, पढ़ने में या लर्न करने में कोई भी दिक्कत आपको ना आए. भले से थोड़ा लेंदी वीडियो बन जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए आपको, लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. यस, सो विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड द फील्ड ऑफ, तो देखो यहाँ पे दिया गया, इंडस्ट्री और ट्रेड के ग्रोथ के बाद जो म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन है वो भी बढ़ा है ना. ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंट्रैक्शंस. The method of history is useful in the research of many subjects. So, जो method of history है ये useful है कई सारे subject में research के लिए. So, history is related to events which had happened in the past. यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है. अब यहाँ पे passage दिया गया है, passage wise आपको questions पूछे जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे questions है. Who built this museum? This museum was built by इनिगल जी. तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि आपको ये तो इसी में से दिया जाएगा, तो उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको. वेयर वॉज द अर्लीएस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड इट, तो देखो यहाँ पे दिया गया है, सिटी ऑफ उर इन मेसोपोटामिया, वही है. क्वेश्चंस बहुत हैं तो यहाँ पे मैं सारे आपको अगर एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी टाइम हो, काफ़ी लेंदी वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ क्वेश्चन, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इजी है. सजेस्ट एटलीस्ट सिक्स सॉल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के सोर्सेज जो हैं उसे प्रिजर्व करने के लिए छः सोल्यूशन बताने हैं. तो आपको देखो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेज, हमको पता है ओरल, रिटन एंड मटेरियल सोर्सेज प्रिजर्व किया जाता है. अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पर हमको बताना है हमारे हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाना चाहिए, जो भी फोर्ट्स किले वगैरह होते हैं, जो मेमोरियल्स हैं, जो महल हैं, पैलेसेज हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम टू टाइम क्या किया जाना चाहिए, मेंटेन किया जाना चाहिए, रिपेयर किया जाना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए, जो भी उनका अगर कुछ, मतलब कि पब्लिक प्लेसेस, अगर कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस पे कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो हिस्टोरिकल कॉइन, जो कॉइन्स हैं और जो वेपन्स हैं वो हैंडल किया जाना चाहिए, मतलब प्रिकॉशन के लिए, एंड एटमोसफियर बहुत ही देखभाल के साथ में. सो उनको प्लेस, जो सेफ प्लेस पर रखना ज़रूरी है, टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, चोरी ना हो, इसलिए उसको सेफ प्लेस पर रखना ज़रूरी है. सोशल अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारा कल्चरल नेचुरल हेरिटेज है उसको कंजर्व करें, प्रिजर्व करें. पीपल विल डेवलप एफिनिटी टुवर्ड्स द हेरिटेज, तो लोग भी, लोगों के अंदर ये डेवलप किया जाए कि उनको, वो भी उनको ये कनेक्ट किया जाए हेरिटेज से अपने, उसकी तरफ. सो
देखो जो क्लाइमेट कंडीशंस हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट में खतरे हैं इस पे, किस पे, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स पे। हम देखते सुनते ना कि ताजमहल का कलर फेड हो रहा है, पीला पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा होता हो रहा है, डैम्पनेस, मोस, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो रेयर आर्टिफैक्ट्स हैं, हाथों से बनी चीज़ें हैं, स्टैचूज़ हैं, जो कॉइन्स हैं, ये सब ख़राब हो रहे हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए, जैसे कि हैव टू बी मेड लाइक रूम विद कंट्रोल टेम्परेचर, ताकि वो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहे, ज़्यादा उसका बढ़े घटे नहीं टेम्परेचर। डिटॉक्सिंग द रूम इस तरीके के हो, यानी कि जो हम देखते हैं कि कितने सारे तो ऐसे हमारे हाथ से लिखे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स रहते हैं उसको दीमक ही खा जाते हैं, उसको ऐसे ही ख़राब हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना हो। जो ओरल लिटरेचर लाइक ओवीज, फोक सॉन्ग्स है, वो कैसे हो जाना चाहिए, वो रिटर्न लिख के रखा जाना चाहिए। अब पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो दिया गया है। एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड शुड बी इन्वॉल्व इन प्रिजर्वेशन, अलग 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 फील्ड के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको इन प्रोजेक्ट्स को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उसमें मतलब उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। ये सारे कुछ एकदम स्ट्रिक्ट लॉ लाने चाहिए, पास किए जाना चाहिए इन मॉन्यूमेंट्स को सेफ करने के लिए या फिर बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। एक पॉइंट और दिया गया है, से अबव ऑल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस पैरामाउंट। अब साथ दिया गया है, आप इसमें से कोई छः लिखिए। देखो यहाँ पे लिखा है ये इसमें राइट एनी 6 पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। आंसर देखिए यहाँ पे, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स कैन बी डन विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट स्ट्रक्चर। इन द प्रोसेस ऑफ कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट, ड्यू प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग द सेंटीमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल। जो लोकल पीपल हैं उनके सेंटीमेंट्स, उनके जो मन के भाव हैं, उसको हर्ट किए बिना ही हमें क्या किया जाना चाहिए, इन साइट का जो प्रिजर्व किया जाना चाहिए, कंजर्व किया जाना चाहिए, उसका डेवलपमेंट कराना चाहिए, किया जाना चाहिए, ताकि कोई लोग किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जो लोकल पीपल है उनका भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, कि जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो ताकि वो अच्छे से चल सके, तो उसमें उनका भी आप थोड़ा योगदान लो। इन ऑर्डर टू इंगेज एंड एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइवलीहुड, तो उनके लिए भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, तो ये ईजी हो जाएगा सिस्टमेटिक प्लान डिज़ाइन किया जाए तो। विच एजेंसीज़ कैरी आउट द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज़ डन एट वेरियस स्टेजेस। द वर्क ऑफ प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन प्राइमरीली फॉल्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन। यस, पहले तो कोर्ट की ये ज़रूरत है, कोर्ट करे क्या, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके अंडर में ये चीज़ें होनी चाहिए। इन एडिशन इनटेक, यानी उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज़ ऑल्सो एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड, उसको भी काम किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट जो अलग अलग फील्ड के होते हैं वो लोकल लोगों को पार्टिसिपेट करके काम को ईजी कर सकते हैं, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए, नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए उन लोगों की हेल्प ले सकते हैं। वॉट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फिल्म अचीव्स, क्या मेन मोटिव है हमारा नेशनल फिल्म अचीव के लिए, क्या उद्देश्य है। सो देखो यहाँ पे दिया गया है, पहला है टू रिसर्च एंड ऑब्टेन द रेयर इंडियन फिल्म्स, तो रिसर्च करना और प्राप्त करना रेयर इंडियन फिल्म्स को, प्रिजर्व करना ऐसी फिल्म्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आगे की जनरेशन के लिए बेनिफिट हो सके। टू कैटेगराइज द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन कैटलॉग देन एंड कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड टू एस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर dissemination of films culture. What are the opportunities created by affiliated professional fields of applied history? तो यहाँ पे देखो दिया गया, ये तो हमने पढ़ा ना, ये अप्लाइड हिस्ट्री वाला, जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, ये सभी क्या किया जाना चाहिए, इनको असाइन किया जाना चाहिए, स्टार्ट किया जाना चाहिए न्यू प्रोजेक्ट्स, ऑफिसर्स लाइक मैनेजर, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, ये सब के सब इस सर्विस में जो इनको लिया जाना चाहिए। टेक्नीशियंस लाइक इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, स्किल्ड फोटोग्राफर्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, तो इतने सारे लोग हैं, ये सब की स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है।
इन सब की स्पेलिंग आपको याद की, क्योंकि लिखने के लिए स्पेलिंग तो याद होनी चाहिए। थोड़ा सा ये मुझे हार्ड लगा क्योंकि स्पेलिंग्स थोड़ा सा, कितने सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी आर्किटेक्ट्स हैं तो उसकी स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होगी। टेक्नीशियन ये तो ईजी है, टेक्निक के बाद वही शियंस ऐड कर देना है, ये थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी है आपको। टूरिस्ट गाइड्स एंड बोर्डिंग एंड लॉजिंग, फूड सर्विसेज, एंटरटेनमेंट एंड रिलेटेड बिजनेस गेट अ वाइड स्कोप फॉर फ्लरिशिंग। तो ये सब क्या होंगे, ये सब उन्नति करेंगे, बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, क्या रोल है इसका, और इसके बारे में लिखो आप। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन दिस फील्ड, देखो यहाँ पे दिया गया है। पहला क्या है, इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, यूजिंग नॉलेज, हिस्ट्री का नॉलेज यूज़ करके हम अवेयरनेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, जो हमारा कल्चरल नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसे कंजर्व सुरक्षित करने के लिए हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री इवन इन द कैपेसिटी एज टूरिस्ट। प्रोफेशनल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोगों को, और डेवलप इंडस्ट्रियल कमर्शियल फील्ड को डेवलप करने के लिए। टू कैरी आउट प्रिपरेटरी वर्क एंड प्लान फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, आंसर देख सकते हो सबके। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो देखो ये है आपका रॉक कट एंशियंट हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन द एलोरा केव। ये हमको पता ना कि एक ही पत्थर को काट काट के सब बनाया गया है, बहुत बड़ी बात है ये। राष्ट्रकूट किंग ने जो कृष्णा वन थे, फर्स्ट थे, उन्होंने ये बनाया था। इट इज़ रिगार्डेड एज अ मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर, यस। इट बियर्स एंड एलोक्वेंट testimony to the high level skill attained by India in the arts of sculpture and architecture under the Rashtrakuta patronage. बहुत बड़ी बात है ना। A sculpture of an elephant and a pillar can be seen in the picture. The famous rock cut temple in Maharashtra was declared as a World Heritage site by UNESCO in 1983 में ही इसको World Heritage UNESCO द्वारा घोषित कर दिया गया है। काफ़ी कुछ इसमें तोड़ा फोड़ा गया है, आई थिंक ये हाथी का भी कुछ देखो यहाँ पे जो ट्रंक है उसका काट दिया गया है, जो अटैक मतलब कि जो इन्वेडर्स थे अटैक कर मुगल वगैरह। वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, एक साइड कल्चरल हेरिटेज है, एक तरफ नेचुरल हेरिटेज है, इधर आपको लिखना है और इधर तो दिया हुआ है नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या आ जाएगा। और जो देखिए अप्लाइड हिस्ट्री में यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम फोर्थ चैप्टर। कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। तीनों लैंग्वेज के अलग अलग प्लेलिस्ट हैं उसके राइटिंग स्किल्स से, सब्जेक्ट के तो हैं ही क्वेश्चन आंसर की वीडियोज, बट राइटिंग स्किल का अलग से प्लेलिस्ट है तीनों ही सब्जेक्ट, उसमें आपको निबंध, लेटर राइटिंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हिंदी का अलग से है प्लेलिस्ट, मराठी का अलग से है राइटिंग स्किल का, और हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों का अलग अलग है, सेपरेट है राइटिंग स्किल, आप देख सकते हो। जो भी वहाँ पे आपको लगे कि ये वीडियो नहीं है और आपको नीड है उसकी, आप कमेंट में बताइए। जो भी आपको एजुकेशनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए आप बताइए, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, एक्सप्लेनेशन हो, या डाइजेस्ट आंसर हो। चैप्टर्स लेंदी है तो ऑब्वियस है कि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी ज़्यादा रहेंगे, तो देख के इसको नोट डाउन कीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे से शो किया है सारे क्वेश्चन आंसर, ताकि आप इजीली लिख पाओ, स्क्रीनशॉट भी ले पाओ, पॉज कर कर के वीडियो लिख लीजिए। फर्स्ट टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक का यहाँ पे पूरा वीडियो अपलोडेड है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, आपके भाई बहन फ्रेंड्स जो भी हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार वापस से आपको पूरा शो कर रही हूँ, ताकि अगर कुछ रह गया हो, एक बार का पेज रह जाता है तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को।
किसी 8 में आई थिंक एक मराठी के चैप्टर में ऐसा हुआ था कि मैंने पेज ही छोड़ दिया था, एक तो बड़ी प्रॉब्लम हुई बच्चों को, अभी मुझे पता ही नहीं कि वो कौन सा चैप्टर था जो मैं बना सकूं। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होता है।